अच्छा चलें जी, आप लोग बताएं क्या ये डाटा पास है या फेल है, और क्यों फेल और पास है, कोई भी एक बंदा बता दे फेल है ये क्या वजह है इसकी है। बार बार इसके जो मार्क्स हैं 25 से कम है। हाँ चलें। और दूसरा यार ख्याल रखिएगा, लास्ट 5 साल का ग्राफ आपने निकालना है। बाज़ूकात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 12 महीने वाले ही रखे रहने देते हैं, तो मार्केट लाजमी चेंज करनी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि ग्राफ जब आप मुझे दिखाएंगे ना, तो मैं डिटेक्ट कर लूंगा ये लास्ट 12 महीने का, 5 साल का नहीं है, लाइन से पता चल जाता है। लेकिन अगर मार्केट आपने जो है चेंज नहीं की ना, तो मार्केट मुझे पता नहीं चलेगी, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट है ना, वो आपने इसी तरह सेम लेना है जैसे मैंने लिया है, कोई कीवर्ड वगैरह नजर नहीं आना चाहिए, आपने क्या लिखा था क्या नहीं, ये आपके इस तरह का वो स्क्रीनशॉट आना चाहिए। तो देख लें इसके ऊपर कहीं कीवर्ड मेंशन नहीं है, देखने वाला ये नहीं बता सकता कि मार्केट, क्योंकि कीवर्ड के साथ ही मार्केट लिखी होती है, तो ये नहीं बता सकता, तो मैं भी फिर डिटेक्ट नहीं करूंगा। अच्छा ये जो ग्राफ है, पहले बताएं ये पास है या फेल है। ये भी फेल है। चले अवैस के अलावा कोई और बंदा भी बता दे, जब तो श्याम भाई कह रहे हैं फेल है। अच्छा अगर कभी आपके जहन में इशफाक भाई, एक ऐसा जहन में क्या, आपकी आंखों के सामने एक ग्राफ है, आप इसको देख के अगर मैं आपको कहूं यार कुछ एनालाइज करो एनवायरनमेंट के बारे में, तो आप कैसे एनालाइज करोगे ये, मतलब इस ग्राफ के बारे में आप क्या सोचते हैं। सर इसके हवाले से मुझे ये लग रही है कि ये सीजनल ब्रांड है सर। अच्छा कैसे लग रहा है जी आपको। सर, ये जो ग्राफ जब ये ऊपर जा रहा है, ये पर्टिकुलर मंथ्स में ऊपर जा रहा है, एक मंथ में, क्या मतलब इसकी, इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना, सिर्फ जून में ऊपर जा रही है, फिर बाकी महीने जितने भी हैं सारी नीचे आ रही है सर। अच्छा चलें चलें, इसको आपकी बात को थोड़ा देखें, ये जून है, ये जून है, अगर मैं जी यहाँ सर, मूव करूं तो ये जून नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी तकरीबन सिमिलर ऐसा ही वेव्स आ रही हैं जैसी इधर आ रही हैं तकरीबन, बल्कि ये देखें यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया। तो चलें और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा और सीजनल, मैंने आपको कहा कि कुछ सीजनल का, एक होती है ट्रेंडी, वो कुछ टाइम के लिए आती है, हफ्ता 10 दिन, एक होती है सीजनल जो कुछ मंथ्स के लिए, 3 महीने 4 महीने, ये टोटल कुछ मंथ्स का पीरियड नहीं है। देखें फौरन ऊपर गया, फौरन ही नीचे आ गया है, देखें इतनी जल्दी नीचे आया कि लाइन भी आपस में जुड़ी हुई है, देख रहे हैं जी एक। सर, इसमें मुझे ये लग रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक मेरे पास कपड़े की दुकान है, तो जब ईद का सीजन आता है तो चंद दिन जो है ना वो एट ए टाइम ऊपर चली जाती है, तो फिर यानी कि नीचे चली आती है। अगर यूके का एग्जांपल ले लें, चलो ये जून में तो क्रिसमस डे नहीं आता, कोई इनका कोई त्योहार होगा सर, उस हिसाब से ये। ठीक है चलें चलें, आपकी इनपुट लिया, अब चलें आप एक और बात बताएं, अगर आप वाली बात मानी जाए, क्योंकि मैं यही चीज चाहता हूँ कि आप लोग डाटा को एनालाइज करना सीखें, चाहे गलत करें सही करें करें। अब अगर इसी बात पर मैं पिछले वाले ग्राफ पर वापस आ जाऊं, तो हमें तो फिर ये वाली बात भी आपके हिसाब से ठीक लगनी चाहिए, देखें ये भी तो सेम सेम ही चले जा रहा है, देखें ऊपर नीचे, तो फिर ये भी ट्रेंडी प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि सेम सेम देखें ये, इसमें आपके अगर ऊपर नीचे जाने वाली बात पे हम करें, तो देखें बार बार ऊपर जाता है फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये तो फिर तो इसका सीजनल आगे क्लियर हो जाएगा। चलें ठीक है, आपने अच्छा डाटा एनालाइज करने की कोशिश की, और आपके जहन में इश्फाक भाई, और इस ग्राफ को थोड़ा और गौर से देखें, पूरा देखें, यहां से लेके यहां तक देखें, और कहें इस ग्राफ के बारे में आप और क्या कहना चाहते हैं, आप सब लोग, बाकी लोग भी देखें। सर ये पिछले 3-4 साल से ये देखें, ये तकरीबन 25 मार्क्स है, 50 तक गया है, ये अचानक से ये पूरे इसने 100 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, हाँ आपने अच्छा ये एनालाइज किया। अब अपने जहन पे जोर डालें, ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक प्रोडक्ट इतनी नीचे हो के 50 तक मुश्किल से जा रही है, और एकदम वो 100 को टच कर जाए। सर ये ट्रेंड ही तो नहीं हो सकता, ये 3-4 सालों में तो नहीं गई ट्रेंड, ये अचानक एक दफा ही गई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और जोर डालें, बाकी नीट भी तो हो सकती है, नीड क्या हो सकती है, नहीं नीड हो तो फिर वो पिछले 4 सालों में भी हो ना, नीड का मतलब होता है जरूरत, तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से एक चीज जरूरत बन गई लोगों की और एकदम से खत्म होगी। देखिए छह तो आठ वो साल भाई, जी वो सर सर वायरल हुई होगी उतने टाइम तक के, जैसे सोशल मीडिया पे कुछ प्रोडक्ट वगैरह वायरल, मतलब लॉन्च मतलब वायरल हो जाते हैं, फिर कुछ जैसे एक आध वीडियोस में, तो फिर लोग उसको सर्च करने लगते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर वो गायब हो जाता है कुछ टाइम बाद।
लेकिन सर जैसे मास्क, जी जी बोले गुहर बात कर सर मास्क अहमद भाई ये भी हो सकता है कि 2019 में कोरोना भी आया था, भाई ये हो कहना सकता है जस्ट चाहिए। लाइक जैसे मास्क की डिमांड कोरोना में बहुत बढ़ गई थी और वो ऊपर चली गई थी बहुत ज्यादा, तो 2019 में ठीक 2019 में हमारी कोरोना भी तो चल रहा था, है ठीक है, तो कोरोना मे भी दिसंबर पॉसिबल दो, कि उस वक्त कोरोना के हिसाब से कोई प्रोडक्ट होगी और ये बूम कर गई हो। ओके 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 ओके, ले ली इनपुट। गौहर को बोलने दें, गौहर आप कुछ कह रही थी यार, क्योंकि ना सबको सर मैं यही कहना चाह रही थी मास्क कोविड से रिलेटेड, अचानक से डिमांड इंक्रीज हुई थी ना मास्क की। ठीक है शकील भाई ने भी ठीक कहा। अच्छा चलें इसको वाइंड अप करते हैं। यार देखो ये बिल्कुल सही कह रही है, मास्क है ये N95 मास्क का ग्राफ है, ठीक है। कोई भी चीज इंसान की नीड बन गई और एकदम से खत्म हो गई, उसकी वजह यही थी, ये 100 को भी टच कर गया कि वो बहुत सख्त वाली जरूरत थी, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अब आप में से, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट डाटा को एनालाइज करके प्रिडिक्ट करता है या पुराने डाटा की को देख कर बताता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, वही कामयाब है ना, वरना वो लकीर का फकीर बंदा तो कभी कामयाब नहीं हुआ। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, क्वेश्चन मेरा ये है कि यार ये 100 को टच करने के बाद वापस नीचे क्यों आया? मैं उसकी वजह बता रहा हूँ, 2019 में कोरोना आया, न्यू न्यू इन हुआ और आपको पता है कि यूके और यूएसए में ज्यादा था, तो ये उन्हीं कंट्रीज का है, पाकिस्तान में तो बाद में आया, तो यहां पर देखें ऊपर गया, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि 2020 में तो भी तो कोरोना था, तो ये 2020 में क्यों ऊपर नहीं है? ये 2020 में भी तो कोरोना था भाई, कोरोना तो 2021 तक चला, तो ये सिर्फ ऊपर जाके वापस नीचे क्यों आ गया? किसी को आइडिया है? सर वैक्सीन वगैरह नहीं आ गई थी 2020 में, क्या आ गई इसी थी वजह से वैक्सीन वगैरह नहीं आ गई थी 2020 में, वैक्सीन, वो वैक्सीन इसी वजह वैसा, से निशा लेकिन मास्क तो तब भी बिक रहे थे ना, मास्क तो हम अभी भी कुछ, इसी कम हो गए ना बिकने। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन 2020 तक कोरोना बहुत पीक में था, स्टार्ट में भी पीक में था, 21 के बहुत पीक में था, जब डिमांड रही थी और आपकी सप्लाई कम थी तब भी आपकी मतलब बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से उसके बाद आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी और कंपटीशन कम हो गया, ये भी एक। ठीक है, ये एक लॉजिकल रीजन हो सकता था, पर ये रीजन नहीं है, पर ये हो सकता था। और इशफाक भाई आप बताएं। अच्छा अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, ये पर्टिकुलर मास्क का मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, क्योंकि रीजन ये है कि दिसंबर 2019 में जो है ना फर्स्ट कोविड का केस जो चाइना में रिपोर्ट हुआ था सर, तो ये मेरे ख्याल में किसी और की डेटा होगी, ऐसे मुझे लगता है सर। ये इशफाक भाई N95 मास्क का है, वो मैं आपको वैसे ही बता दे, N95 मास्क का डाटा है, ठीक है। अच्छा हाँ यार मैं आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ, सर, ये दो बोले नंबर भी तो बिकने शुरू हो गए थे 95 बीच में। ना। अच्छा मैं बताता हूँ इशफाक भाई, ये सीन था कि देखें हमारे ना मसला मसला नहीं, हम लोग खुद, हम एशियंस ऐसे हैं, आपको पता है जब तक कोरोना हमारे लॉकडाउन करके बंद किया गया हमें कमरों में, हम तो फिर भी बाहर भाग जाते थे। गोरे जोन से है ना, वो इसी किस्म की कौम है, वो आप उनको कहेंगे ना कि ये काम होगा 6 महीने बाद या ये डिजास्टर होगा, वो तैयारी अभी से शुरू कर देंगे। सो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब चाइना के अंदर आया था तो एक एक फिनोमेना पड़ गया था कि भाई ये जो है ना पूरी दुनिया में जाएगा, ट्रैवलिंग हो रही है, इस वजह से ये बहुत बिका था, बहुत बिका था, लोगों ने डब्बे के डब्बे लेकर रख लिए थे। उसकी मैं वजह भी आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ एक सिंपल मास्क 10 रुपए का मिल रहा था, फिर बाद में 20, 25, 30 का हुआ। मेरे क्लाइंट है यूएसए के, वो मुझे उस टाइम पर बताते थे कि N95 मास्क न्यूयॉर्क के अंदर $250 का है इस टाइम पे, जब कोरोना पीक पे था, $250 मतलब 50,000 रुपए के करीब करीब होता। तो वहां पर भी डेली वेजेस पे बंदे होते हैं, ऑर्डली वेजेस पे, ज्यादातर तबका ऐसे ही काम कर रहा होता है खास, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। वो लोग जो उनसे ना, क्योंकि ये था मार्केट से चीजें गायब हो गई थी, बहुत सारी लोगों ने परचेसिंग कर ली थी और प्रोडक्ट स्टॉक थी, कह रहे हैं और खुलकर बोले आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अवैस ने बहुत करीब आंसर दिए, बहुत करीब आंसर दिया अवैस ने के 2 नंबर। हाँ और किसी का कोई भी क्यूरी ऐड करना चाहता है तो करते हैं, वरना आगे चलते हैं, मैं बता देता हूँ इसकी वजह क्या है। देखें यार हुआ ये था ना कि मेरा एक दोस्त थे, वो दराज पे मास्क सेल आउट करते थे और उन्होंने इनिशियली कोरोना के 4 से 5 महीने के अंदर जब पाकिस्तान में वो आया था, तो चलें बहुत महंगी गाड़ी नहीं ली थी, लेकिन 10 लाख रुपए की मेहरान उन्होंने ली थी और सब पैसा उन्होंने मास्क से कमाया था। मास्क इतना बिका था,
उनके घर पिंडी में उनका घर है, उनके घर के जो दो दो तीन तीन कमरे थे ना वो डब्बों से भरे होते थे, ठीक है, इतनी डिमांड थी इस मास्क की। लेकिन उस वक्त तक मास्क बेचना ऑनलाइन अलाउ था, अमेजोन ने भी अलाउ किया हुआ था, क्योंकि किसी की जहनो गुमान में नहीं थी ना एक चीज कि यार एक चीज की डिमांड ही बिल्कुल कम है, बहुत कम, ये देख लें ये किस हिसाब से बार बार तो जीरो पर आ जाता है, तो एक चीज की डिमांड ही इतनी लो होगी तो लोग उस पर कंपनीज फोकस नहीं करेंगी, ठीक है। जब वो डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ कि पहले N95 एक बहुत बड़ा नाम था, हमने भी पहली दफा सुना, एक सर्जिकल मास्क है, लेकिन फिर क्या हुआ यार मेडिकल स्टोर पे छोड़ो, जनरल स्टोर वालों ने अपने टॉफियों के साथ N95 रखा होता था, वो ओरिजिनल N95 नहीं था, ये मैं और आप भी जानते। तो जब ऑनलाइन बिकना शुरू हुए ना तो वो N95 का टैग लगना शुरू हो गया, या डिफरेंट और मास्क था टैग लगना शुरू हो गया और वो सेलिंग शुरू होगी, तो फिर क्या हुआ शिकायतें आना शुरू होगी कि हमने मंगवाया था अमेजोन से मास्क N95 और वो दो नंबर निकला, इसमें क्रेडिबिलिटी किसकी गिरी, अमेजोन की क्रेडिबिलिटी गिरी, कि अमेजोन के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद ही नहीं है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिर ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सबको कहा कि अगर आपकी वेबसाइट से मास्क सेल आउट होगा तो वो एक नंबर है, उसकी क्वालिटी वही है जो आप लोगों ने या सेलर ने लिखी हुई है तो ठीक है, वरना ब्लेम सीधा आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो अमेजोन ने, सब ने, इवन अली एक्सप्रेस वालों ने भी ये पाबंदी लगा दी कि भाई जो भी सेलर यहाँ बेचेगा उसने गेटेड कर दिया। गेटेड क्या होता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा कि जो मास्क हम सेल कर रहे हैं ये किस मटेरियल का बना है, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, ये डस्ट प्रूफ है नहीं प्रूफ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगना शुरू कर दी। तो जो लोकल सेलर से, लाइक मेरे दोस्त जैसा जो सेलर था जिसने गोदाम के गोदाम भर के कमरे रखे हुए थे, उसने कहा भाई जो बेच दिए हैं बेच दिए हैं, अब हम कहाँ से लेकर आए। आपको मैंने बताया है कि जब तक आपकी अपनी फैक्ट्री नहीं होती ना, आपको कभी भी कोई दूसरी कंपनी वाला राज की बात नहीं बताता। राज की बात क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या काम हो रहा है, इस मास्क के अंदर कितनी लेयर्स यूज हुई हैं, लिख कर दे देते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होती। वो कह देगा 70-80 लेयर्स यूज हुई हैं, अब आपको नहीं पता 70 हुई हैं या 80 हुई हैं। इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि कहते हैं ना कि हर कंपनी वाला, हर बिजनेसमैन कुछ फन ऐसे रखता है जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को ही देता, अपने दोस्त को भी नहीं देता। तो यही हिसाब कंपनीज का भी है कि अलीबाबा से या किसी भी जगह से अगर आप कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनाएंगे तो बनाकर आपको दे देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे इसकी डाई कैसी बनी, इसकी डाई का स्टाइल किधर से आया, ये डाई कहाँ से इम्पोर्ट हुई, जबकि अमेजोन सारी चीजों को मांगता है अगर आप ये क्लेम करते हो। और अगर आप ये क्लेम करते हो कि ये मेरा ब्रांड है और मैं ब्रांड, तो फिर और ज्यादा चीजें गहराई में चली जाती हैं। सो एक नॉर्मल बंदा जिसकी इन्वेंट्री 8-10 लाख रुपए की बननी है या 12-13 लाख रुपए की बननी है, वो इन झंझटों में नहीं पड़ता। इसीलिए जो बड़ी कंपनीज थी, जो बड़े मेडिकल स्टोर थे, जिसको हम चाइनीज खुद भी कहते हैं कि चाइनीज वालों ने खुद ही अमेजोन पे और वहां बेचना शुरू कर दिया, उनका ग्राफ तो हमेशा ऊपर जाता रहा। नॉर्मल से देखें ये नॉर्मल चल रहा था, स्टिल ये ऊपर है काफी, फिर नीचे आया, लेकिन फिर तो ये चल रहा था, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिमांड खत्म होगी और वही बात है कि चीजें गिर गई। सर डिमांड तो बहुत है बट कंटिन्यूस से सेव कर लिया जी, ठीक कह रही हूँ, सही कह रही हैं आप, ये डिमांड का सप्लाई आपको होपफुली समझ आ गया होगा। ये मैंने इतनी लंबी तमीज जो बांधी है ना या बताया है, वो इसलिए डाला गया है इस ग्राफ को ताकि यार आप लोग वो डाटा को एनालाइज करना सीखें, आप जहन पे जोर डालें कि 2019 में ऐसा क्या हुआ, तो क्या हुआ आप लोगों ने जज कर लिया, लेकिन इसके बाद ये नीचे क्यों आया ये भी तो एक क्वेश्चन था। तो कोई भी क्लाइंट अगर किसी को आप बताएं ऐसा ग्राफ दिखाएं तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। इस ग्राफ को देख के आप लोगों को क्या लगता है सर, ये सीजनल तो नहीं? ठीक है, बिल्कुल सीजनल है। जज कैसे किया सर? जज ये अगस्त में जा रही है, ये ऊपर वैसी नीचे आ रही है, फिर वैसी ऊपर जा रही है, ठीक है, और सेम वही पीरियड तकरीबन जैसे 2018। ये तो डेटा इसका बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि ये सीजनल है, ठीक है, मखसूस पीरियड के बाद ये ऊपर हो जाता है, ठीक है। और भी बंदा कुछ ऐड करना चाहे?
ये सीजनल में भी ये देखे ना आगे जाकर 2021 से पहले मार्च से पहले ये भी 100 को टच कर गई है, इसकी ज्यादा सेल हुई थी उसमें। अच्छा चले, अच्छा चले, बिल्कुल मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर करता हूँ। एक तो ये सीजनल है, उसकी वजह बिल्कुल ठीक डिटेक्ट किया आप लोगों ने, ये सेम मंथ्स में ऊपर जाती है फिर उन्हीं सेम मंथ्स में नीचे आती है, फिर ऑलमोस्ट उन्हीं सेम मंथ्स में ऊपर जाती है और फिर 2018 में उन्हीं सेम मंथ्स में नीचे आ जाती है, फिर वही 2019 से पहले पहले का जो पीरियड है 18 का उसमें ऊपर मिड में चली जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो कहने का मकसद है इसका जो वेव बन रही है ये सिमिलर टाइप, ये सेम टाइमिंग पे ऊपर है सेम टाइमिंग पे नीचे है, इसका मतलब है ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो गर्मियों की है, फर्जन फर्जन गर्मियों में ऊपर जाती है सर्दियों में नीचे, फिर अगले साल फिर गर्मियों में ऊपर फिर सर्दियों में नीचे, फिर गर्मियों में ऊपर फिर सर्दियों में नीचे, तो इसी तरीके से करके ये चलती है। ये तो सीजनल हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आप लोगों को कहा था सीजनल से दूर रहना है, और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जिसका जेएस का स्टैट बहुत अच्छा है, हीलियम का स्टैट बहुत अच्छा है, वायरल चले वो अच्छा कह रहा है बुरा कह रहा है, उसने भी कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है आप गूगल ट्रेंड पर आगे, गूगल ट्रेंड ने अगर उसको सीजनल डिक्लेयर कर दिया तो मैंने आपको कहा था ये प्रोडक्ट छोड़ देना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गूगल ही बताएगा ये सीजनल है या नहीं। लेकिन 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 एक चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना है, मेरी जिंदगी में एक तजर्बा ऐसा हो चुका है कि मेरे जूनियर ने एक प्रोडक्ट छोड़ी, क्लाइंट चला गया, लॉन्च अलग हो गई, बाद में उसने मुझे जब डाटा दिखाया तो मैंने उसको कहा ओ अल्लाह के बंदे ये क्या किया, वो वेव तो सीजनल की थी लेकिन वो अपने बुरे दिनों में भी 25 से ऊपर रहती थी। मतलब आप एज्यूम करें एक प्रोडक्ट है जो 75 पर जाती है और अपने नॉन सीजनल टाइम में भी 25 से ऊपर है, तो यार उसको तो वो ठीक है सीजनल है लेकिन वो पास तो फिर भी है ना, उसने पास तो कर लिया ना, हमारा पास करने का क्या क्राइटेरिया, 25 से ऊपर होना चाहिए। तो यार ठीक है सर्दियों में वो 75 सेल जनरेट कर रहा है 75%, गर्मियों में या ऑफ सीजन में वो 26-27 कर रहा है, लेकिन फिर भी उतनी तो कर रहे हैं ना जितनी हमारी क्राइटेरिया को पास करने के लिए जरूरी थी, तो तुमने उसे कैसे फेल करार दे दिया। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये नहीं करना है कि बस सीजनल देखा तो छोड़ दिया यार ये तो सीजनल निकला है, भाई आपने ये भी चेक करना है कि अगर सीजनल है तो क्या 25 से बार बार नीचे तो नहीं आ रहा, क्या उससे ऊपर है, अगर उससे ऊपर है तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। आखिरी ग्राफ, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ मैंने मोटिवेशन के लिए लगाया गया और अपनी याद के लिए लगाया गया, ये मेरी पहली प्रोडक्ट का ग्राफ है जो मैंने कस्टमर को सेल आउट की थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस कंपनी में मैं उस टाइम था उन्होंने लॉन्च भी किया था, पूरी प्राइवेट लेबल की लॉन्च की थी उस क्लाइंट की, सिर्फ अपने लिए भी लगाई है, मुझे देख के उसको अच्छा लगता है और आप लोगों के लिए भी लगाई है कि आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि अहमद भाई ग्राफ अच्छे भी होते हैं, तो बेटा ये आपके सामने खुला हुआ है ये अच्छा ग्राफ है या नहीं आप अपनी आंखों से देख कर बताएं, एक दफा भी ये 25 से नीचे नहीं गया, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह के ग्राफ भी होते हैं, क्यों नहीं होते, अच्छी प्रोडक्ट्स के ग्राफ होते हैं इस तरह, आप इसको देखें ये 75 के पास पास रह रहा है ये देखें, और ये 90 तक भी गया है बार बार, इसने 100 को भी टच किया है और ये देख लें किस लेवल पर आई, तो होते हैं इस तरह के ग्राफ भी होते हैं, तो प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं निकलती हैं भाई प्रोडक्ट्स। चलें कोई क्यूरीज है तो कर लें, आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। सर प्रोडक्ट क्या था यार, उस जमाने में इसके स्टैट्स बहुत अच्छे थे, ये बात है मेरे ख्याल 4 साल शायद गुजर गए, काफी लंबा टाइम गुजर गया इसको, ये स्ट्रेस बॉल का ग्राफ था, उस जमाने में स्ट्रेस बॉल जो थी ना वो काफी वर्क चलती थी, बहुत चलती थी, बाद में ना इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, अभी भी मार्केट में स्ट्रेस बॉल के ग्राफ्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उसके बाकी स्टैट्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम अब आ गया, वो ये है कि उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गई, एक ही दुकानदार लाल कलर की भी दे रहा है, ब्लैक कलर की भी दे रहा है, ब्लू कलर की भी दे रहा है, और थोड़े थोड़े डिजाइन भी चेंज है, सो उसमें वेरिएशंस की वजह से प्रोडक्ट अब हम लॉन्च नहीं करते। और दूसरी इसकी मेन वजह यह है कि यार ये सस्ती प्रोडक्ट है, 10-12 pounds की प्रोडक्ट है, तो अमेजोन ने फीसिस इतनी ज्यादा लगा दी है कि अगर आपकी अब सेलिंग प्राइस 10-12 pounds है तो आपको बचता कुछ नहीं है, 2 pounds बचेगा पर यूनिट, 1.5 pounds बचेगा, 2.5 बचेगा, जरा सी प्राइसेस ऊपर नीचे हुई वो 2.5 pounds गया, ठीक है लहरी बात है, अगर आपकी आपके कंपटीटर ने 10 की बेचना शुरू कर दिया है तो आपसे 12.5 में तो कोई नहीं खरीदेगा ना, आप 11 में आ जाओगे 10.5 में आ जाओगे, और 2 pounds जो प्रॉफिट था बेचारे का वही गया, तो इसलिए जो है ना ये।
तो मेरी रिकमेंडेशन में आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो 25 पाउंड से ऊपर होनी चाहिए उसकी सेलिंग प्राइस। और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा कि कैसे सिलेक्ट करते हैं, बजट में कैसे आना है, वो सारी चीज़ें आगे करेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको कहा था हमने जंगल स्काउट सीखा, हमने हीलियम सीखा, हमने आज वायरल देख लिया, हमने गूगल देख लिया। मैंने आपको कहा था एक प्रोडक्ट जीएस से पास होती है, हीलियम से होती है, वायरल से होती है, गूगल ट्रेंड फेल कर देता है, सारी मेहनत जाया हो जाती है। अगर गूगल ट्रेंड ने भी उस प्रोडक्ट को पास कर दिया तो आपको क्या लगता है, वो प्रोडक्ट रेडी है लॉन्च के लिए या भी कोई ऐसा एक स्टेट है जो कम है? ऑब्वियसली हमने अभी प्रॉफिट मार्जिन देखना है जिसके ऊपर मेजर गेम हमारी डिपेंड कर रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन इस पे या कोई कुछ भी? तो मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूं बिकॉज़ बहुत प्रॉफिट मार्जिन ही था सर।